राधे राधे, स्वागत है आप सभी का मेरे आज की नई वीडियो में। तो आज बनाते हैं बहुत आसानी से बनने वाला और बहुत स्वादिष्ट लगने वाला सोहन हलवा, जो बहुत ही आसान रेसिपी है। सबसे पहले तैयारी करते हैं जिसमें हमको अपने सोहन हलवे को जमाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्लास्टिक की कटोरी, कोई चाय का कप, कुकी कटर, जो आपको आसानी से मिल जाए वो ले लीजिए। उसके बाद सबको अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है। घी से ग्रीस कर लेने के बाद लेते हैं कुछ बादाम, जिसको मैंने बीच में से दो दो टुकड़ों में काट लिया है, और कुछ पिस्ता, उसको नीचे जो आपका मोल्ड है उसमें रख देते हैं एज अ गार्निशिंग, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इससे। अब हमको लेना है एक कटोरी चीनी, दो चम्मच मैदा और दो चम्मच मिल्क पाउडर। अब ले लेते हैं एक फ्राई पैन, उसको गैस पर रख देते हैं और उसमें लेते हैं दो चम्मच घी। उसके बाद उसमें डाल देते हैं हम अपनी एक कटोरी चीनी को, और उसको हमें मीडियम आंच पे पिघलाना है, उसका हमको कैरेमल बनाना है। तो देखिए, लगातार चलाते हुए चीनी को हम पिघला लेंगे घी में। दो तीन मिनट बाद आप देखेंगे कि चीनी पिघलने लगी है और घी उससे सेपरेट होने लगा है। जब चीनी अच्छे से पिघल जाएगी तो गैस को बंद कर देंगे और मिक्सचर को एक मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। अब उसमें डालते हैं मैदा और मिल्क पाउडर को, और जल्दी जल्दी चलाते हुए उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने का प्रोसेस हमें जल्दी जल्दी करना है। अगर हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो मिक्सचर पैन में ही ठंडा हो जाएगा और जमना शुरू कर देगा। जैसे ही मिक्सचर रेडी हो जाए तो उसको मोल्ड में डालना शुरू कर देते हैं, और मोल्ड में उसको डालने के बाद ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ देना है। मिक्सचर ठंडा होते ही उसको डीमोल्ड कर लेते हैं, और देखिए कितनी आसानी से हर एक मोल्ड में से हमारा जो सोहन हलवा है वो निकल जा रहा है। देखिए, सोहन हलवा जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी लगेगा। और देखिए, मैंने यहाँ पे एक सोहन हलवे को तोड़ के दिखाया, वो कितना क्रंची बना हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हाँ, इसको आप पन्नी में पैक करके रखिएगा ताकि ये क्रंची बना रहे। थैंक यू।